नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहां के छात्र छात्राओं ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बूते सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और इस बात से सारा देश अवगत है। हालांकि देश के पिछड़े राज्यों में से एक अपने बिहार में आज से डेढ़ दशक पहले लड़कियों पर कई तरह की सामाजिक पाबंदियां हुआ करती थी और इसका एक बड़ा कारण गांव घरों में लोगों का अशिक्षित होना था, जिस कारण गांव सहित सुदूर क्षेत्रों में लड़कियां बमुश्किल ही 8वीं-9वीं तक पढ़ाई कर पाती थी। मगर एक कहावत है कि परिवर्तन ही विकास का द्योतक है, यानी जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे ही कई माध्यमों से अब लोगों के मन की बंदिशें वाली अवधारणाएं खत्म होती जा रही है। बात अगर बिहार की बेटियों की करें तो बीते कुछ सालों में बिहार में ऐसे माहौल बन चुके हैं कि यहाँ की बेटियां भी पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती है और जमाने के साथ आगे बढ़ भी रही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कन्या उत्थान के लिए बिहार सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और राज्य भर की छात्राओं के लिए प्रोत्साहनकारी योजनाओं को लागू किया है। सरकार की इन योजनाओं ने यह कमाल कर दिखाया है कि राज्य का शहरी हिस्सा हो या सुदूर गांव का हिस्सा हो, पुरानी विचारधाराओं, बंदिशों व आर्थिक दिक्कतों को भूलते हुए हर अभिभावक अपनी बच्चियों को 12वीं और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाना चाहते हैं। इन लाडलियों के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा और शादी तक में प्रोत्साहन राशि दे रही है। इस योजना के तहत पहले जो छात्रा 12वीं पास करती थी उन्हें 10,000 रुपये मिलते थे और स्नातक पास करने पर 25,000 की राशि मिलती थी। मगर पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में छात्राओं को वित्तीय सहायता देने के लिए नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसके तहत अब शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने पर छात्राओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यह लाभ इस साल 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो गया है। हाल ही में बिहार बोर्ड इंटर 2021 का रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में आपके मन में तरह तरह के सवाल होंगे कि इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये का लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए कहां अप्लाई करना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो परेशान ना हो, इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब हम आपको स्टेप वाइज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 25,000 रुपये केवल बिहार की छात्राओं को मिलेंगे जिसने इसी वर्ष 2021 में इंटर की परीक्षा पास की है और ये जानना तो बेहद जरूरी है कि इस लाभ की हकदार केवल वे ही इंटर पास छात्राएं होंगी जो अविवाहित है, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए छात्राओं को अपना पंजीकरण करवाना बिल्कुल अनिवार्य होगा। इसके अलावे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इंटर की मार्कशीट, अपना बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड आदि की स्कैन्ड कॉपी को रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा करना होगा। अब आपको बताते हैं कि 25,000 पाने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले बिहार सरकार की ई कल्याण पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जहां होम पेज पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक +2 प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने का आपको विकल्प मिलेगा। आवेदन के लिए दिए गए 3 लिंक, लिंक 1, लिंक 2 या फिर लिंक 3 में से किसी एक पर क्लिक करें। इसके बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर दें। अब आपको इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना प्राप्तांक और कैप्चा कोड को डालना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें पूछी गई सभी जानकारियां सही सही भर दें। सारी जानकारियां भरने के बाद मांगे गए सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स को अटैच कर दें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो ये थी इस साल इंटर पास करने वाली अविवाहित छात्राओं के लिए 25,000 रुपये स्कॉलरशिप पाने की चरणवार जानकारी। हमारे द्वारा बताए गए इस पूरे स्टेप को फॉलो कर आप खुद ही या फिर किसी ऑनलाइन कैफे में जाकर स्कॉलरशिप के लिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि इस दौरान आपको किसी भी फर्जी वेबसाइट से बचकर रहना है। बिहार सरकार ने इसको लेकर हाल ही में ई कल्याण पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट को जारी किया है। आप इस पोर्टल पर जाकर और हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से अपना पंजीयन करा सकते हैं। तो इसके साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़े खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज बिहारी न्यूज को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।